शिव मंदिर प्रांगण सरायढेला में वृहद झारखंड कला संस्कृति मंच की बैठक की गई, जिसमें आगामी 31 दिसंबर को 2022 को होने वाले देहरे टुसु परब की शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित पूर्व पार्षद गणपत महतो ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि देहरे टुसु परब कार्यक्रम में हजारों हजार की संख्या में पूरे झारखंड राज्य से लोगों का जुटान होने जा रहा है, जो सरायढेला शिव मंदिर प्रांगण से निकलते हुए रणधीर वर्मा चौक होते हुए सिटी सेंटर चौक पहुंचकर रणधीर वर्मा चौक पर इस शोभा यात्रा का समापन करेंगे। इस शोभा यात्रा का मूल उद्देश्य झारखंड की संस्कृति, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत तरीके से आज भी 12 महीने के 13 पर्व को मनाया जाता है, लेकिन शहरीकरण के बाद शहर में बसे लोग धीरे धीरे झारखंडी संस्कृति से अनभिज्ञ होते जा रहे हैं। टुसु पर्व पूरे एक महीने तक मनाया जाता है, जिसे सभी गाँव में माताओं बहनों के द्वारा संध्या में टुसु गीत गाए जाते हैं और पूजा की जाती है। टुसु पर्व लोग झांकी भी निकालेंगे, कितने की संख्या में लोग रहेंगे? और झांकी तो जैसे हम लोग टुसु का जो बनाया जाता है चौड़ल, हम लोग का चौड़ल की संख्या हमको लगता है हजारों की संख्या में चौड़ल रहेंगे। और हम लोग का जो लोग यहां पे जो आएंगे पूरे झारखंड से, हम लोग लाखों लोग यहां पे शामिल होंगे उस यात्रा में। उसके लिए हम लोग भी तैयारी किए हुए हैं, उसके लिए वॉलेंटियर बनाया जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। और सारे लोग जैसे सुचित रूप से आएँ और सारे लोग जो हमारा कार्यक्रम है वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बने और धनबाद में एक नया इतिहास गढ़ा जाए। और इसके एक उपलक्ष्य में हम लोग जो हम लोग परंपरा है टुसु पर्व में आठ कोलैया की, वो आठ कोलैया का मतलब हम लोग का है कि चना उसमें मिला हुआ रहता है, गेहूं रहता है, कुर्थी रहती है उसमें और मटर रहता है, बहुत सारे चीज़ों का आठ तरह के हम लोग बीज को बनाकर भूंज कर गुड़ के साथ मिलाकर हम लोग सारे लोग खाते खाने का काम हम लोग करते हैं। तो वो ये परंपरा जो है हम लोग के जो चलते आ रही है उसको हम लोग बरकरार रखना है, और इसी तरह जो नया युवा आने वाला पीढ़ी को हम लोग को बताना भी है कि हमारा जो परंपरा है, हमारा जो सांस्कृतिक है, उसको तो कैसे बचाएं, इसी को हम लोग दिखाने के लिए और आने वाले युवा को बताने के लिए हम लोग ये डर है टुसु पर्व कर रहे हैं। अच्छा त्यौहार आप लोग मनाने जा रहे हैं? आज हम लोग सरायढेला मोरब थान में बैठे हुए हैं और आपके माध्यम से पूरे झारखंड वासियों को एक जानकारी देना चाहते हैं कि 31 दिसंबर को जो शनिवार दिन पड़ता है, बृहद झारखंड कला संस्कृति के मंच के बैनर तले दोहरे टुसु पर्व का आयोजन किया गया है, जो कार्यक्रम सुबह 10 बजे सरायढेला मोरब थान में सारे लोग एकत्रित होंगे। पूरे राज्य भर से जो लोग आएंगे महिला पुरुष सरायढेला मोरब थान में एकत्रित होंगे। यहाँ से 11 बजे हम लोगों का टुसु का शोभा यात्रा निकलेगा, जो रणधीर वर्मा चौक होते हुए DRM चौक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से हम लोग मुड़ेंगे। मुड़ करके पूजा टाकी से बेकार बांध से SSLNT होते हुए और रणधीर वर्मा चौक में आकर के इसका समापन होगा। ये टुसु पर्व क्या है? टुसु पर्व अघन संक्रांत के दिन में हम लोगों का झारखंड का छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का जो आदिवासी मूल निवासी है, ये लोग अघन संक्रांत के दिन में स्थापना करते हैं और ये पर्व लगातार एक महीना तक चलता है और मकर संक्रांति के दिन में इसका विसर्जन किया जाता है। इस चीज़ की जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। यह पर्व गाँव घर में ही मनाया जाता है, जिसके चलते यहाँ पर जो लोग बसोबास कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, हम लोगों का समाज के लोग हैं, वे लोग जो नहीं जानते हैं टुसु के बारे में, इनका महत्व की जानकारी देने के लिए ये टुसु पर्व क्या है, टुसु क्या है, इस चीज़ की जानकारी देने के लिए इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसी तरह से 8 दिसंबर को जमशेदपुर में भी इस तरह का शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, ताकि शहर के लोगों को भी यह मालूम चले कि झारखंडी संस्कृति क्या है, झारखंडी पर्व त्यौहार क्या है, यहाँ का भाषा संस्कृति से लोग अधिक से अधिक जुड़े और अपनी झारखंडी होने का परिचय दें, जिसके चलते ये सब चीज़ तो जानना लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम लोग दोहरे टुसु पर्व 31 दिसंबर शनिवार को आयोजन किए हैं।